हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेट स्मैशर्स। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ टीएलबी, दैट इज ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। और इस वीडियो में हम टीएलबी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इवन आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो गाइज, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं टीएलबी, दैट इज ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ टीएलबी होता क्या है और इसको हम क्यों यूज करते हैं। तो कहानी जो स्टार्ट होती है वो होती है पेजिंग से। पेजिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि पेजिंग का कॉन्सेप्ट है क्या, मैं आपको फिर भी एक छोटा सा ओवरव्यू उसका दोबारा दे देता हूँ। हम करते क्या है, जो हमारा प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम पेजेस में डिवाइड करते हैं और फिर हम मेन मेमोरी के अंदर, मेन मेमोरी जो कि ऑलरेडी फ्रेम्स में डिवाइड होती है, उन फ्रेम्स के अंदर हम क्या करते हैं, पेजेस को अलग अलग प्रोसेसेस के अलग अलग पेजेस को हम लेके आते हैं मेन मेमोरी के अंदर। मेन मेमोरी में क्या है, फ्रेम्स। अब पेज टेबल जो है, पेज टेबल एक्चुअल में क्या है, एक इंडेक्स की तरह, जैसे बुक के आगे इंडेक्स होता है, पेज टेबल क्या बता रहा है, पेज टेबल मेरे को बता रहा है कि कौन सा पेज नंबर किस फ्रेम एड्रेस पे पड़े, दैट इज कॉल्ड अ फिजिकल एड्रेस। मतलब ये मेरे पास पेज टेबल में पेज टेबल की जो एंट्री नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से मेरे पास है और मेरे को पता लग रहा है कि पेज टेबल बता रहा है कि पेज नंबर 1 किस फ्रेम पे पड़ा है, फ्रेम 1 में पड़ा है, फ्रेम 2 में पड़ा है, फ्रेम 3 में पड़ा है। ये कहानी जो है हमने पेजिंग में ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। अब हम बात करते हैं, यहां पे जो सीपीयू है वो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है और लॉजिकल एड्रेस में क्या होता है हमारे पास, पेज नंबर, पेज ऑफसेट। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड करते हैं। तो देख लो क्या हो जाएगा, पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट, जिसको हम बोल रहे हैं लॉजिकल एड्रेस। अब इसके मैपिंग हमने किसके साथ कर दी, इसकी मैपिंग कर दी हमने मेन मेमोरी से। मतलब हमने रैम के अंदर मल्टीपल पेजेस को हम ले आए, मल्टीपल पेजेस को हम रैम के अंदर ले आए। अब मेरे को कैसे पता लगेगा कि कौन सा पेज किस फ्रेम में पड़ा है, वो कौन बताएगा, फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस से हमें पता लग जाएगा कि कौन सा पेज नंबर, कौन सा पेज जो है वो किस पर्टिकुलर फ्रेम में पड़ा है। हम मैपिंग करते हैं, ये कहानी है पेजिंग की। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो पेज है वो कहां पे पड़ा है, मेन मेमोरी के अंदर, और जो पेज टेबल है जहां से मैं चेक कर रहा हूं, जो इंडेक्स है वो कहां पड़ा है, वो भी मेन मेमोरी के अंदर पड़ा है। अब लेट्स सपोज अगर हम बात करें मेन मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम, लेट्स से एक्स है, अगर मेन मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम एक्स है तो मैं कितनी बार एक्सेस कर रहा हूं, अगर कोई पेज फॉल्ट अकर नहीं हो रहा, अगर लेट्स सपोज जो पेज मैं ढूंढ रहा हूं वो पेज मेरा मेन मेमोरी में पड़ा है, तो मैं कैसे ढूंढूंगा, मैं सबसे पहले पेज टेबल में जाऊंगा, पेज टेबल से मेरे को पता लगेगा फ्रेम नंबर, फ्रेम नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग मैं मेन मेमोरी में जाऊंगा, फिर मैं उस पर्टिकुलर पेज को उठा लूंगा। यही है कहानी, सिंपल। सीपीयू जो है वो सीपीयू यहां पे जनरेट करेगा लॉजिकल एड्रेस, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैं कैसे जाऊंगा, मैं पहले पेज टेबल में जाऊंगा, पेज टेबल से मेरे को फ्रेम नंबर पता लगेगा और उस फ्रेम पे जाके मेन मेमोरी में मैं उस पेज को उठा लूंगा। अब इस पूरी कहानी में मैं मेन मेमोरी को कितनी बार एक्सेस कर रहा हूं, एक तो ये हो गया कि जब आप मेन मेमोरी में जाओगे तो उस पेज को उठाने के लिए आपको टाइम लगेगा, लेट्स से टाइम लग रहा है मेरा एक्स। और दूसरी बार हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम पेज टेबल में भी तो ढूंढ रहे हैं ना, पेज टेबल कहां पे पड़ा है, पेज टेबल जो है वो कहां पे पड़ा होगा, ऑब्वियसली पेज टेबल भी मेरा मेमोरी के अंदर ही पड़ा है। तो यानी मैं एक एक्स अमाउंट ऑफ टाइम लगा रहा हूं पहले पेज टेबल में ढूंढने के लिए, मतलब बुक के आगे जो इंडेक्स है मैं पहले इंडेक्स में ढूंढूंगा, इंडेक्स में ढूंढने का टाइम क्या है, एक्स, क्योंकि जो इंडेक्स है, जो पेज टेबल है वो भी मेन मेमोरी में पड़ा है और मेन मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम मैंने क्या मान रखा है, एक्स। तो मेन मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम अगर एक्स है तो पहले मैं पेज टेबल को एक्सेस कर रहा हूं, अब पेज टेबल को एक्सेस करने के लिए एक्स अमाउंट लगाया, वहां से मेरे को क्या मिला, फ्रेम नंबर मिला, फिर मैं मेन मेमोरी के अंदर दोबारा गया और उस फ्रेम से मैंने उस पेज को उठाया, यानी मेरा टोटल टाइम कितना लगा, एक्स प्लस एक्स, दैट इज 2x। मतलब मेरे को दो बार मेमोरी को एक्सेस करना पड़ रहा है तब जाके मेरे को पेज जो है वो मिलेगा। ये कहानी है, सिंपल। अब इस कहानी में प्रॉब्लम क्या है, इस फंडे में प्रॉब्लम क्या है कि मेन मेमोरी को जब हम दो बार एक्सेस कर रहे हैं, ये तो मतलब अगर पेज टेबल मेरा सिंपल है तब हम दो बार एक्सेस कर रहे हैं, अगर पेज टेबल बहुत बड़ा है और पेज टेबल को भी हमने मल्टीपल लेवल्स में डिवाइड कर लिया, मतलब एक पेज को, एक पेज टेबल को मल्टीपल
पेजेस में हमने डिवाइड कर लिया, मल्टीपल लेवल्स में डिवाइड कर लिया, तो वो सारे के सारे मल्टी लेवल पेजेस वो भी कहां पड़े होंगे, वो भी मेन मेमोरी के अंदर पड़े होंगे। तो यानी आइडल कंडीशन में आप कह सकते हो कि 2x टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप मल्टी लेवल पेज टेबल को यूज कर रहे हो, अगर आपका पेज टेबल भी मल्टीपल लेवल्स में है, तो उतना ही टाइम मेरा बढ़ता जाएगा, क्योंकि सारे लेवल्स जो है वो कहां पड़े होंगे, मेन मेमोरी के अंदर ही पड़े होंगे। तो और मेन मेमोरी से एक्सेस करने का टाइम जो है वो ऑल्दो कुछ ना कुछ टाइम मेरा लग ही रहा है, हम चाहते हैं कि इस टाइम को रिड्यूस कर सके। अब इस टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम क्या चाहते हैं, फास्टर मेमोरी चाहते हैं, और वो फास्टर मेमोरी हमारे पास कौन सी है, कैश मेमोरी। मतलब अब हम यूज कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कैश मेमोरी, या जिसको आप बोल सकते हो टीएलबी, दैट इज ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। कैश को हम कई बार बफर भी बोल देते हैं, मतलब ये जो बफर हम यहां पे यूज कर रहे हैं ये है टीएलबी। अब ये टीएलबी का कॉन्सेप्ट क्या है कि टीएलबी जो है वो फास्टर देन रैम, मतलब ये रैम से जो है वो फास्टर है। तो अब हम क्या करेंगे, हम पेज टेबल की एंट्रीज को टीएलबी में रख देंगे। टीएलबी में हमने क्या किया, पेज टेबल की एंट्रीज को रख दिया, मतलब जो फ्रेम हम ढूंढ रहे हैं हमने फ्रेम नंबर्स कहां रख दिए, हमने फ्रेम नंबर्स TLB में रख दिए, मतलब कैश के अंदर रख दिए। अब उससे फायदा क्या मिला, फायदा देखो CPU ने लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, मतलब CPU इज लुकिंग फॉर अ पेज। अब वो पेज कहां पड़ा मेन मेमोरी में मुझे नहीं पता, मुझे उसका फ्रेम नंबर चाहिए, मैं पहले TLB में ढूंढूंगा। अब TLB में होता क्या है, TLB में ये सारे मेरे पास टैग्स हैं, टैग्स। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सर्च कर रहे हैं कि किस पर्टिकुलर टैग में, किस पर्टिकुलर लोकेशन में कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर पड़ा है। अब टीएलबी को एक्सेस करने का टाइम रैम से कंपैरेटिवली जो है वो बहुत कम होता है, क्योंकि टीएलबी क्या है, कैश मेमोरी विच इज मच फास्टर देन द रैम। तो हमने क्या किया, पहले टीएलबी में ढूंढा, टीएलबी में अगर मेरे को मिल गया जो फ्रेम हम ढूंढ रहे हैं, जो पेज हम ढूंढ रहे हैं, उस पेज के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रेम नंबर है अगर मुझे यहां पे मिल गया, मतलब इसको बोलते हैं टीएलबी हिट। तो टीएलबी अगर हिट हो गया तो मैं फ्रेम नंबर पे जाके उस पेज को उठा लूंगा। लेकिन अगर टीएलबी मेरा हिट नहीं हुआ तो उस केस में क्या होगा, उस केस में तो हमने नॉर्मल प्रोसीजर लगाना पड़ेगा। नॉर्मल प्रोसीजर क्या है कि आप पहले पेज टेबल में देखो, पेज टेबल से आपको फ्रेम नंबर मिलेगा, फिर आप मेन मेमोरी में एक्सेस कर लोगे। तो यानी मेरा जो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम क्या बनेगा, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम क्या बन रहा है कि पहले मैं टीएलबी में ढूंढूंगा, पहले मैंने टीएलबी के अंदर सर्च किया, टीएलबी के अंदर सर्च करने का कुछ ना कुछ टाइम मेरा लगा, पहले मैंने वो टाइम स्पेंड किया, उस टाइम को स्पेंड करने के बाद मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया फ्रेम नंबर, फिर मैं पर्टिकुलर फ्रेम नंबर को मैंने, मतलब पर्टिकुलर पेज को मैंने मेन मेमोरी में ढूंढा, मेन मेमोरी में ढूंढने का टाइम लेट्स सपोज एक्स अमाउंट हमारा लग रहा है। ये टाइम कब लगेगा, अगर मेरा टीएलबी हिट होता है, मतलब जिस पेज को आप ढूंढ रहे हो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर आपका टीएलबी में अगर पड़ा है। अब कहानी क्या आती है कि सर सारे ही रख लो, सारे ही जो फ्रेम नंबर है पूरा का पूरा पेज टेबल यहां पर रख लो, नहीं रख सकते। रीजन उसका क्या है कि टीएलबी जो है वो लिमिटेड साइज है, मतलब अगर आप टीएलबी को बढ़ाते हो, कैश को बढ़ाते हो, तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो हम क्या करते हैं, हमारे जो नॉर्मल लैपटॉप्स में, हमारे पास नॉर्मल जो पीसीज है उनमें क्या होता है कि जो कैश मेमोरी है वो लिमिटेड होती है। जैसे अगर मैं बात करूं 12 bits, लेट्स सपोज मेरी जो यहां पे टीएलबी है वो 12 बिट्स की है, तो यानी मैं कितनी एंट्रीज रख सकता हूं, 2^12 एंट्रीज में यहां पे रख सकता हूं। ऐसा नहीं है कि इसको मैं बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा, अगर मैं बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा तो कॉस्ट मेरी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो कॉस्ट हम बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने लिमिटेड जो है वो अमाउंट ऑफ डेटा, लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्रेम नंबर्स यहां पे रख दिए। तो अगर मेरा हिट हो रहा है, हिट का मतलब क्या है, जिस पेज को आप ढूंढ रहे हो उस पेज का फ्रेम नंबर यहां पे पड़ा है, तो आप जाओ सीधा फ्रेम नंबर यहां से उठा लो। तो यानी टोटल टाइम लगा हिट के केस में टीएलबी को एक्सेस करने का टाइम प्लस एक्स अमाउंट जो आप मेमोरी में लगा रहे हो। प्लस अगर यहां पे होता है मिस करने का मतलब क्या है कि आपने यहां पे ढूंढा, टीएलबी के अंदर ढूंढा, कैश के अंदर ढूंढा, लेकिन आपको फ्रेम नंबर नहीं मिला, तो ऑब्वियसली क्या बोलेंगे इसको, टीएलबी मिस। यानी आप जिस बंदे को ढूंढ रहे हो, जिस पेज को ढूंढ रहे हो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर की एंट्री यहां पर नहीं मिली, दैट इज कॉल्ड अ मिस। तो आपने टीएलबी का एक्सेस टाइम लगाया,
तब लगाने के बाद आपको पता लगा अरे जिस पेज को आप ढूंढ रहे हो उसकी एंट्री यहां पे नहीं है, तो फिर क्या करोगे आप? फिर आप जाओगे पेज टेबल में, क्योंकि पेज टेबल में तो ऑब्वियसली सारे पेजेस के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर होंगे ही होंगे। यानी आपने पेज टेबल को एक्सेस किया और हमें ऑलरेडी पता है कि पेज टेबल को एक्सेस करने का टाइम कितना है, एक्स। रीजन मैंने पहले ही बताया कि पेज टेबल कहां पे होता है, मेन मेमोरी के अंदर होता है, तो मेन मेमोरी के एक्सेस करने का टाइम हमने एक्स मान रखा है, तो ऑब्वियसली पेज टेबल को भी एक्सेस करने का टाइम कितना लगेगा, एक्स। एक्स अमाउंट से मेरे को क्या मिल गया, फ्रेम नंबर मिल गया। अब मैं फ्रेम नंबर जो है वो मतलब फिजिकल एड्रेस मिल गया, उस फिजिकल एड्रेस पे जाके मतलब एक्स अमाउंट ऑफ जो है एक्स अमाउंट ऑफ टाइम जो है मैंने और लगाया, तब जाके मेरे को पर्टिकुलर पेज मिल गया। तो यानी अगर मेरा हिट होता है तो ये टाइम लगा, अगर मेरा मिस होता है तो ये टाइम जो है वो लगेगा। तो ये फॉर्मूला है इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम का। लेकिन रिमेंबर, अगर कोई पेज फॉल्ट अक्कर नहीं होता, पेज फॉल्ट का मतलब क्या है कि मैं मान के चल रहा हूं कि जिस पेज को आप ढूंढ रहे हो वो पेज मेन मेमोरी के अंदर है, अगर वो पेज ही मेन मेमोरी के अंदर नहीं है तो कॉन्सेप्ट क्या आता है, पेज फॉल्ट सर्विस टाइम। पेज फॉल्ट सर्विस टाइम का कॉन्सेप्ट जो है वो अलग है, मतलब अब हमें सेकेंडरी मेमोरी से उस पेज को लाना पड़ेगा कहां पे, फिजिकल मेमोरी के अंदर। तो यहां पे अगर मैं इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम ये लिखा है, अगर कोई पेज फॉल्ट अक्कर नहीं हो रहा तो सिंपल पहले टीएलबी में ढूंढो, टीएलबी से फ्रेम नंबर आपको मेन मेमोरी में मिल जाएगा। तो ये टाइम ये लगा, दैट इज कॉल्ड अ हिट। और मिस का मतलब क्या, आपने पहले टीएलबी में देखा फ्रेम नंबर आपको नहीं मिला, फिर आपने पेज टेबल में देखा आपको फ्रेम नंबर मिल गया, फिर आप उस फ्रेम में जाके उस फ्रेम नंबर पे जाके आपने पेज को एक्सेस कर लिया। तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि जो मेरा हिट टाइम जो है या हिट रेशो ज्यादा होनी चाहिए और मिस रेशो कम होनी चाहिए। अगर आपकी हिट रेशो ज्यादा होगी तो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम आपको तभी बेनिफिट मिलेगा, किसका, टीएलबी लगाने का। अगर आपके मिस बहुत ज्यादा हो गए, मिस अगर ज्यादा है तो फिर तो टीएलबी लगाने का कोई बेनिफिट ही नहीं है ना, क्योंकि आप एक्स्ट्रा टीएलबी का टाइम यहां पे लगा रहे हो। तो अगर आपके हिट बहुत अच्छे हैं, हिट ज्यादा है, मतलब आप जिस पेज को ढूंढ रहे हो वो पर्टिकुलर उस फ्रेम नंबर की एंट्री यहां पे है, तो आप कह सकते हो कि आपको फायदा हुआ है टीएलबी लगाने का। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आते हैं, इवन कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भी पूछ लेते हैं कि टीएलबी का कॉन्सेप्ट होता क्या है, या उसके रिलेटेड जो है वो सिंपल न्यूमेरिकल्स आपके आ सकते हैं। तो न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।